सीरियल तेरी मेरी डोरिया में क्या लगता है आपको, मिलेंगे अंगद और साहिबा या नहीं? अब क्योंकि ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं ना। अब साहिबा ने जेल से निकलने के लिए अपना सर तो फोड़ लिया, लेकिन अंगद की फैमिली और साहिबा के बीच में टेंशन भी चल रही है, और जेल से निकल कर कीपिंग द टीवी का ट्रेडिशन अलाइव, क्या लगता है हीरो हीरोइन एकदम मिल जाएंगे या नहीं? ये तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आइए चलते हैं तेरी मेरी डोरिया के सेट पर। बाप की जिद और माँ की ममता के बीच, क्योंकि आज अंगद कर रहा है एक माँ को उसके बेटे से दूर। वो माँ जिसने बचपन से ही अकीर को पाल पोस के बड़ा किया, उस बेटे अकीर को वो साहिबा से दूर कर रहा है और ले जा रहा है ब्रार मैंशन। साहिबा को तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मैं हॉस्पिटल इतनी मशक्कत के बाद आई हूँ यहाँ पर अकीर से मिलने के लिए, अपने बेटे के पास आने के लिए, और मैं यहाँ आती हूँ और मुझसे पहले ही अकीर गाड़ी में बैठ चुका है और अंगद उनको लेकर जा रहे हैं, तो इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। ये तो मुझे अंदर जाकर ही पता चलेगा। इधर बेचारी साहिबा जिसने अकीर से मिलने के लिए खुद को चोट पहुँचाई ताकि वो हॉस्पिटल में अकीर से मिल सके, लेकिन इससे पहले कि वो अकीर से मिल पाती, अंगद अकीर को लेकर वहां से चला जाता है। तो मुझे पता चलेगा कि अकीर को ले जा चुके हैं और फिर मैं फिर भागूंगी। बोला बुआ चलो आगे देखो। फिर तो कहां ही जाएंगे, ब्रार मेंशन से बचकर कहां ही जाएंगे? अंगद भाई पे आना, मैं तो वहीं जाएंगे। तो हमने 6 साल में बहुत रायता फैला दिया है हमारे रिश्ते में, तो उसको समेटने में वक्त लगेगा। अब शो में आप देखेंगे कि कैसे अंगद और साहिबा अकीर के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि साहिबा तो अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर नहीं होने देगी और अंगद भी इतनी आसानी से अकीर को जाने नहीं देगा। अब ऐसे में इन दोनों के रिश्ते की जो कड़वाहट है वो ऑडियंस को देखने को मिलेगी और दोनों अकीर के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, यू नो व्हाट, जी हाँ, ऐसी वाली गपशप ना, ऐसे ही पैर ऊपर करके, बल्कि मैं तो कहती हूँ चौकड़ी मार के बैठ जाइए और चिल करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए, तभी तो आएगा आपको आनंद जितना चुगलखोर आंटी को आता है आपके और हमारे साथ टीवी की दुनिया की चुगलियां शेयर करके। लो भाई आ गई हूँ मैं आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर, तो दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा पहुंच चुकी है सुपरस्टार शेफ कंपटीशन के फाइनल राउंड में और ऐसे में उसकी नजरें बस ट्रॉफी पर है। अब कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन अनुपमा को अपना लक्ष्य दूर से ही साफ साफ नजर आ रहा है। I want to win for every woman जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करती है, who dare to dream big। और किसी भी हालत में अब अनुपमा ये ट्रॉफी जीतने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। This is गुजराती स्वीट डिश, मिठाई गोड़ पापड़ी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब कहाँ सभी ने आईएएस बनने का सपना देखा था, लेकिन उसकी किस्मत में तो सिर्फ आईएएस चाय वाली बनना लिखा है। अब देखिए ना, उसने अपनी चाय की दुकान खोली है और अब चिन्मय के साथ साथ सभी को एक और भाई मिल गया है उसका साथ देने के लिए। दादा ये सब क्या है? नया दुकान खोला है तो खरीदारी तो करनी होगी ना, तो ये
बड़े भाई की तरफ से छोटी मदद है तुमको। मदद समझ लो ना इसको। मैं बात कर रही हूँ शुक्ला की, जो कि सभी का पूरा पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। अब भाई सभी का साथ देने वाला भी तो कोई चाहिए। ऐसे में मेकर्स ने शुक्ला को ही सभी का भाई बना दिया। कल को जब तुम आईएएस अफसर बन जाओगी तो ये मीडिया में इंटरव्यू तो दोगी ना पत्रकार लोगों को, तो हमारा भी तो नाम लोगी ना, लोगों को पता चल जाएगा ना आखिर कौन है प्रकाश चंद्र शुक्ला। तो पता नहीं कभी बनूंगी। अगर लिखा होगा ना तो बनना ही बनना है, लेकिन बनोगी जरूर, ये बात तो पक्की बात है। अगली चिगली लाई हूँ सीरियल सुहागन की। अब बिंदिया ने साक्षी को रंगे हाथ पकड़ लिया है और सबके सामने वो पायल और साक्षी का पर्दाफाश करेगी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि साक्षी ने सारा का सारा इल्जाम क्रिश पर लगा दिया है। झूठ से खतरनाक कुछ नहीं होता साक्षी भाभी, इसलिए आज आपको सबके सामने सच्चाई उगलनी ही होगी। कि इन सब में क्रिश शामिल है। अब ऐसे में बिंदिया और क्रिश के बीच की गलतफहमियां और भी बढ़ने वाली है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल लक्ष्मी नारायण की। अब शिव ने हैग्रीव को चुनौती दी है कि अगर उसने विष्णु के चक्र को नष्ट कर दिया तो वो अपने हाथों से उसे माला देंगे लक्ष्मी माँ को पहनाने के लिए। यदि तुमने नारायण का सुदर्शन काट दिया तो देवी लक्ष्मी को पहनाने के लिए ये वरमाला मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन नारायण के चक्र की शक्ति के आगे हैग्रीव नहीं टिक पाता है और उसे आखिरकार अपनी हार माननी ही पड़ती है, क्योंकि लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण की है। देवी लक्ष्मी के लिए यदि कोई सबसे अधिक योग्य है तो वो नारायण थे, हैं और सदैव रहेंगे, और सदैव रहेंगे, और सदैव रहेंगे, और सदैव रहेंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल डोरी की। अब गंगा और डोरी एक बार फिर से अलग हो गए हैं, क्योंकि कैलाशी देवी ने आनंद से कहा था कि वो जाकर गंगा और डोरी दोनों को ही खत्म कर दे। लेकिन यहाँ आनंद कैलाशी देवी से झूठ बोलता है कि उसने डोरी का काम तमाम कर दिया, जबकि सच तो ये है कि गंगा ने डोरी को खुद से दूर भेज दिया ताकि वो डोरी की जान को बचा सके। लेकिन शो में किन्नरी के आने से एक और ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि अब अतीत के सारे पन्ने धीरे धीरे खुलने वाले हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब शो में अनिरुद्ध और आशी की आशीर्वाद की रस्म होने वाली है और इसी के साथ एक नया ड्रामा भी शुरू होगा, क्योंकि आशीर्वाद की रस्म तो अनिरुद्ध और अर्शी की है, लेकिन उन दोनों को छोड़कर हमेशा की तरह सारा का सारा फोकस तो झनक पर ही आ जाता है। अब आशीर्वाद की रस्म में भी सभी घर वाले उसकी बेइज्जती करते हुए नजर आने वाले हैं, तो वही झनक तो अर्शी और अनिरुद्ध की आशीर्वाद की रस्म में झूमती नाचती हुई नजर आने वाली है। मॉम, झनक को इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? ये लड़की ना अपनी औकात से बहुत बड़े सपने देख रही है, जान को छूना चाहती और ये मैं नहीं होने दूंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब घर वाले तो सूर्या और अंजलि की शादी की तैयारियों में बिजी है, लेकिन यहाँ पर सूर्या बन चुका है दिल जला आशिक, क्योंकि इमली को तो उसकी शादी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन दर्शकों जरा ठहर जाइए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आपको काफी रोमांस देखने को मिलेगा, जब सूर्या फाइनली इमली से अपने प्यार का इजहार करेगा। आप दोनों वहाँ अकेले हो, आपके पास मौका भी है और मौसम भी, मौसम सा काम कर डाल, अपने दिल की बात वहीं पे भाभी गुरु से कह डाल। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल पंड्या स्टोर की। अब नताशा और शांतनु की सगाई की रस्म हो रही है, लेकिन इतनी आसानी से कहा नताशा और शांतनु एक होंगे, क्योंकि रस्म के दौरान नताशा को बच्चे की आवाज सुनाई देती है और उसके सारे पुराने घाव ताजा हो जाते हैं।
अब ऐसे में उसे पैनिक अटैक भी आता है। बेचारी नताशा को तो फिलहाल कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जल्द ही उसका अतीत उसके सामने आएगा और उसे वो सारी पुरानी बातें याद आ जाएंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की। बन गई है अमृता और विराट की ब्रेकिंग न्यूज। अमृता और विराट को बदनाम करने की साजिश की गई है और ये सब कुछ किया है बबीता ने। अब ऐसे में विराट ने तो ठान लिया है कि इसके पीछे जो भी है वो उसका पर्दाफाश कर ही रहेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब विराट और अमृता एक दूसरे के और करीब आएंगे। तुम्हारा मेरा हम दोनों का नाम खराब किया पूरी फैमिली के सामने, सोसाइटी के सामने। कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की, इस सबका बदला लूंगा। कौन हो सकता है जो आपका इतना बुरा चाहता है? क्या होगा अंजाम जब सामने खुलेगा माँ की साजिशों का राज? लो भाई मैं तो चली क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए हमारा सैटरडे वाला शो वाज ऑल अबाउट घर वापसी। भाई हमारी बहुओं की घर वापसी, जिसको देखो अपने घर लौट कर जा रहा था, विच इज अ गुड थिंग। सो कीपिंग दैट ट्रेडिशन अलाइव, हमारी अबीरा भी लौट आई है अरमान के घर। अब जाहिर सी बात है ऐसे में अरमान जो है उनके दिल के अरमान फिर से बबल्स बना बना कर जयागते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ लेट्स होप कि अब आप अबीरा को अपनी लाइफ में रोक के रखें ताकि आप लोगों की प्रेम कहानी आगे बढ़े। भाई अरे बहू घर लौट कर आई है, स्वागत नहीं करेंगे? मैं चाहती हूँ कि मुझ पर फूल मेरे स्वागत में कारपेट नहीं बिछाएंगे। दर्शकों हो जाइए तैयार क्योंकि आ गई है पोदार खानदान की बहू अबीरा, और आज तो अबीरा के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। क्योंकि अबीरा को हम देते हैं मोस्ट सैवेज बहू का अवार्ड। भाई अब वो जमाना गया जब गोपी बहू जैसी बहुएं हुआ करती थी, अब तो अबीरा जैसी बहुओं का जमाना है। अब अबीरा भले ही अपनी शादी में अपने अरमान पूरे नहीं कर पाई हो, लेकिन अब जब घर में उसका दोबारा गृह प्रवेश हो रहा है तो उसने कोई भी कमी नहीं छोड़ी और पूरे टशन के साथ घर में ले ली है एंट्री। आज तो एक एक कर अभीरा सबको टशन दिखा रही है और सबसे पहले बारी आई है रूही की। देखिए कैसे रूही हाजिर है अभीरा के स्वागत में। उसके बाद अभीरा फूफा सा को बुलाती है अपना स्वागत करने के लिए। फूफा सा आप मेरे स्वागत में कारपेट नहीं बिछाएंगे। जिसके बाद बारी आती है दादी सा की। अब भला घर में कोई सोच सकता था क्या कि वो दादी सा से जुबान लड़ाए या उनसे बहस करे, लेकिन भाई अभीरा तो अभीरा है, उसने आज दादी सा को भी नहीं छोड़ा। दूसरा गृह प्रवेश हुआ है दूसरी बार, क्योंकि घर से निकल गई थी मैं और घर वापसी हुई है और मेरी शर्तों पे हुई है, तो अब मेरा एक जो अंदाज है वो बदल गया है। मुझे पता है बॉल इज इन माय कोर्ट। यस, अब इनकी मर्जी चलेगी, हमने खुद इन्हें घर पे बुलाया है ताकि हमारी और बदनामी ना करें ये। हाँ तो सारी शर्तें मेरे हिसाब से होंगी। yes. सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, तो बस
मैं अपनी उंगलियों पर 3 महीने के लिए नचा सकती हूँ, तो वही चल रहा है। अब अभीरा के ये बदले बदले तेवर अरमान और घर वालों को पसंद तो नहीं आ रहे, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। 3 महीने के लिए अभीरा को यही रहना है, और ऐसे में इन 3 महीनों में अभीरा पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं मंगल लक्ष्मी की। यहाँ पर एक तरफ तो लक्ष्मी की शादी होने वाली है, लेकिन मंगल की लाइफ में ना मुसीबतें बढ़ती जा रही है। जस्ट सो दैट लक्ष्मी अच्छे से सेटल हो जाए, बेचारी को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। भैया मंगल की लाइफ में कब होगा सब कुछ मंगलमय, इसका तो हमें भी इंतजार रहेगा। बेचारी मंगल के साथ वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। अब देखिए ना, चूल्ली तो गायब हुई ही थी कि अभी एक बार फिर आदित को मौका मिल गया है मंगल पर ब्लेम लगाने का, और इस बार भी वो पूरी तरह से मंगल को ही दोषी मान रहा है। ये तो आप जानते हैं कि ज्वेलरी चोरी हो गई थी, जिसके बाद आदित काफी ज्यादा गुस्से में है। कुसुम भी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आदित है कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो अब आदित ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये गहने वहने नकली निकले, अब मैं कुछ नहीं देखूंगा, आप लोग देख लो। तो बहुत भड़का हुआ है, और मैं आदित को समझा रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मंगल तुम्हारी पत्नी है, मंगल की बहन हमारे घर की सदस्य है, और ऊपर से लक्ष्मी अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है। अब आदित को लग रहा है कि उसके साथ विश्वासघात ही होता आया है, और अब तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मंगल सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोचती है और उसे किसी और की कुछ भी नहीं पड़ी है। आदित यहाँ पर ये मेक श्योर करता है कि वो लक्ष्मी के लिए अब कुछ नहीं करना चाहता। जब कुसुम उसे समझाती है कि घर की बात है और घर की चीजों में हाथ बटाना घर वालों का ही काम होता है, इस पर आदित को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और देखिए वो कैसे आग बबूला हो जाता है। अम्मा, इन सब फालतू चीजों में ना मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए। आदित तुम शामिल हो क्या? तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है कार्तिक से, मंगल की बहन से? ये तो पुण्य का काम है, कनाट लड़की की शादी करवाना, उसका घर बसवाना। अम्मा सब समझता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कह दिया, फिर कह रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। अरे मेरे पास पैसे है ही नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है मंगल के पास ये जो 1.5 लाख रुपए हैं उसकी शादी हो जाएगी? तो क्या करो, एक और लोग ले लो अपने साथ पास। अम्मा मैं कैसे जीता हूँ ना, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं, एक पैसे नहीं है मेरे पास देने के। आदित की बातों को सुनने के बाद मंगल कहती है कि वो अपनी बहन की शादी कुलदेवी के मंदिर में ही कराना चाहती है, जिसको सुनने के बाद एक बार फिर आदित का मूड खराब हो जाता है, और वो उसे बुरा भला कहने लग जाता है। उसे वो कार्तिक का स्टेटस याद दिलाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर शादी ऐसी ही करानी थी तो वो कोई सामूहिक विवाह क्यों नहीं करा देती, ताकि सारे पैसे बच जाते। लक्ष्मी का रिश्ता टूट रहा था, तो फिर उसके माता रानी के पास मन्नत मानी कि अगर लक्ष्मी का रिश्ता अच्छे घर में तय हो जाता है तो मैं कुलदेवी के मंदिर में आके कुलदेवी को शुक्रिया अदा करके वहीं पे उनकी हाजिरी में उनके समक्ष माता रानी के समक्ष उसकी शादी करवाऊंगी। तो यहाँ पे पैसों की बात नहीं है, यहाँ पे उसकी मन्नत की बात है। अब बेचारी मंगल करे तो क्या करे, वो बोल रही है तो भी फंस जा रही है, और नहीं बोल रही तो भी। मंगल अपनी बात को रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आदित उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता है। अब मंगल
आदित्य ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, अब जो कुछ भी करना होगा वो आपको ही अकेले करना होगा। बस उम्मीद ये की जा सकती है कि आपकी सासू माँ कुसुम आपकी मदद करें। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कल ही तो आई थी और आज जाने का प्लान बना रही है भाई भाग्य लक्ष्मी। अरे कल हमने इतना डंका बजा बजा के तो स्टोरी की बहुओं की घर वापसी हो रही है, लक्ष्मी की भी घर वापसी हो गई, और आज मैडम सोच रही है कि बस मुझे क्या ऋषि की लाइफ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऋषि तो मलिष्का के साथ इतना हैप्पी लग रहा है कि अपनी 7 ईयर एनिवर्सरी भी बना रहा है। लेकिन लक्ष्मी जी खुद ही सोचिए, आप चली जाएंगी तो सीरियल में कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? जब याद किसी की सताती है तो उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। कुछ इसी तरह का हाल हुआ है लक्ष्मी का, क्योंकि उसके साथ पिछले दिनों जो बीता है वो लक्ष्मी के दिल दिमाग में चल रहा है, जिससे वो उभर नहीं पा रही। लक्ष्मी के ख्यालों में ऋषि छाया हुआ है और वो सोच रही है कि पिछले 6 सालों में क्या क्या बदल गया। ऐसे में शालू भी लक्ष्मी को संभालने की कोशिश कर रही है। बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा है। पहली बार लक्ष्मी शालू को बता रही है कि ये सब है, ऋषि ही मिस्टर ओबरॉय है और ऋषि की ही शादी मलिष्का के साथ हो गई है, 6 साल बीत गए और दिस वाज़ द 6th एनिवर्सरी पार्टी। और रोहन जो है, जो लक्ष्मी इतनी कनेक्टेड है रोहन से, लक्ष्मी ने इतनी बार बोला है कि जब रोहन मुझे हक करता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने मुझे हक किया है, तो वो इतनी कनेक्टेड है रोहन से। और उसको ये पता चलता है कि रोहन ऋषि और मलिष्का का बेटा है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात हो गई। एक ही दिन में एक्चुअली लक्ष्मी ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली। लक्ष्मी अपने घर अपनी बेटी पारो के साथ सोई हुई है, तब भी उसके सपनों में वही दृश्य नजर आ रहा है जो उसके साथ बीता था। और तो और लक्ष्मी को ये भी पता चला है कि रोहन ऋषि और मलिष्का का बेटा है, तो तब से लक्ष्मी को और भी बुरा फील हो रहा है। उसे लगता है कि ऋषि के सारे वादे इरादे झूठे थे, लेकिन शालू लक्ष्मी को समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर ऋषि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है तो उसे भी बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कमबख्त लक्ष्मी का दिल है कि मानता नहीं। मैं दीको बोल रही हूँ कि बस अब तो उसे इग्नोर कर, अगर वो तेरे सामने भी आएगा ना तो आंखों में आंखें डाल के तू मूव ऑन कर ले वहाँ से। अब टाइम बहुत बीत गया ना, तो तुझे भी टाइम के साथ थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ऋषि आगे बढ़ चुका है। अब लक्ष्मी के जख्म एक बार फिर से हरे हो चुके हैं। अब देखते हैं कि लक्ष्मी भला अपने जख्मों को कैसे भरती है, मगर वक्त एक ऐसा मरहम होता है जो गहरे जख्मों को आसानी से भर देता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखो कितना खून बह रहा है, इतना जल्दी बंदा नहीं चाहता, प्लीज मुझे जाने दो। क्या हो गया फरहान, तुम्हारी आशिकी के पैर कांपने लगे? अब जान नहीं देनी तुम्हें मन्नू के प्यार में? क्या हुआ मन्ना? ये खून कैसा है? मेरा खून है। तुम तमाशा देखोगी, पंचमोस देखो। किसका है ये खून? आज तो सुभान के अंदर एसीपी प्रद्युमन की आत्मा आ गई है और इबादत और मन्नत चोरों की तरह सुभान के सामने
सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ सुभान, सब ठीक है। वो तो आ ही रहे देवान से क्योंकि इस बार आ तो रहे हैं पर शक की निगाहों से हमें देख भी रहे हैं। आई थिंक उनको सुभान को डाउट हो गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। नहीं, सस्पेंस है वो वो आते हैं खून वून देखते हैं और डाउट करते हैं, फिर हम उनको बेवकूफ बना ही देते हैं। अब मन्नत की हल्दी की रस्म में पहुंच गया है फरहान और वो मन्नत के सामने अपने प्यार का नाटक करता है, मगर इस चक्कर में वो काट लेता है अपनी नस। अब इबादत तो ये अच्छे से जानती है कि फरहान नाटक कर रहा है, ऐसे में इबादत उसे वहाँ से जाने नहीं देती और फरहान की हालत तो अब खराब हो रही है क्योंकि अगर वो बहुत देर रुका तो आज तो उसकी जान गई। नहीं तो वो मर जाएगा, वरना मैं वरना क्या शोर मचाओगी, सबको बताओगी कि मैं इस पागल को यहाँ से बाहर जाने से रोक रही हूँ। गुड, तेरा काम तो और आसान हो जाएगा, सब यहाँ आ जाएंगे तो आज तो इसकी मौत पक्की है। मचाओ शोर, बुलाओ। आज तो ये गुंडी बन गई है बहुत बड़ी वाली, आज तो इसने एकदम मोर्चा ले लिया है कि मैं फरहान को मार ही मरने ही दूंगी। उसके जो चोट वोट लगी है उसने स्टंट किया अपना, पर ना सच में कटी। हाँ, और ये बहन जी बोल रही है कि मरो। इधर मन्नत और इबादत का झगड़ा हो रहा है क्योंकि मन्नत फरहान की जान को बचाना चाहती है। देखो कितना खून बह रहा है, इतना जल्दी मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे जाने दो। कुछ देर पहले तो मन्नू की मोहब्बत में जान देने को तैयार थे, अब जान नहीं देनी तुम्हें मन्नू के प्यार में? हटो, नहीं हटूंगी मैं। और ये जो कर रहा है ना सिंपथी गेन, वो नाटक है, वो इबादत को पता है इसलिए ये बोल रहे कि मरो जाओ, देखो क्या करते। वो नाटक कर रहा है पर तुमने जिस हिसाब से रोक लिया सच में मर जाएगा वो। और यहाँ चिल्लाने की आवाज आ जाती है सुभान को, जिसके बाद सुभान पहुंचता है मन्नत और इबादत के कमरे में और सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन इबादत सुभान को अपनी बातों में फंसा लेती है। हम मस्ती कर रहे थे, मैंने इसे धक्का दे दिया, इसने मुझे धक्का दे दिया, सॉरी, और मैं चिल्लाई उसी की आवाज। जिसके बाद सुभान को दिखता है जमीन पर पड़ा खून जो कि फरहान का है, लेकिन इबादत तो इबादत है, उसने अपनी हाथ की चूड़ी तोड़ दी जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है और यही वो सुभान को दिखाकर कन्विंस करती है कि उसका ही खून है। इन्होंने चूड़ी तोड़ी और सुभान को ये दिलाने के लिए आसरा कि इनकी चोट है, तो इन्होंने खुद चूड़ी तोड़ के खुद को इंजर करके ब्लड निकाल दिया और इसीलिए अब सुभान को कन्विंस हो गया है वो कि ये इनका ब्लड था। अब बेचारा सुभान दोनों बहनों की बातों में आ जाता है और इबादत के जख्म पर मरहम भी लगाता है, लेकिन इबादत और मन्नत एक ना एक दिन सुभान के सामने ये सच आ ही जाएगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।